अब थोड़ी बात और भी सुन लीजिए कि कुछ असबाब होते हैं तंगदस्ती के, अमूमन हमारे अंदर वो आदतें होती हैं और हम कहते हैं जी कि तंगदस्ती बहुत है। हमें चाहिए कि जिन चीज़ों से तंगदस्ती होती है उन आमाल को छोड़ दें। पहला अमल, खड़े होकर जूते पहनकर नंगे सर खाना खाना, आजकल शादियों में दावतों में एक आम सी बात है, जूते पहने होते हैं, नंगे सर होते हैं और खड़े होकर खाना खाते हैं, इससे अल्लाह ताला रिज्क में तंगी फरमा देते हैं। दूसरी बात, बैतुल खला में बातें करना। तीसरी बात, मेहमान को बोझ समझना। चौथी बात, हाथ धोए बगैर खाना खाना और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना, इससे रिज्क में तंगी हो जाती है। फिर पांचवी बात, खाना खत्म हो जाए तो खाने के बर्तन को अच्छी तरह साफ न करना, इससे भी रिज्क में तंगी होती है। फिर छठी बात, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। फिर सातवीं बात, मांगने वाले फकीर को झिड़कना, भाई आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो मोहब्बत से उसको कह दे कि भाई आगे चले जाओ, झिड़की ना दें। कई लोग उस फकीर गरीब समझते हुए उसको झिड़कना शुरू कर देते हैं, तुझे कहा नहीं, तूने सुना नहीं, जाता क्यों नहीं। तो फकीर को झिड़कने से खुद बंदा रिज्क की तंगी में मुब्तला हो जाता है। फिर सातवां अमल, मगरब के बाद बिला उजर के सो जाना, इशा के बाद सोना चाहिए। मगरब के बाद अगर बीमारी है या उजर है तो और बात है, फिर इजाजत है, अगर उजर नहीं तो मगरब के बाद सोने की आदत ही बनानी चाहिए। फिर दसवां अमल, जिससे रिज़्क तंग हो जाता है, बगैर उजर के नमाज कदा कर देना, फजर नहीं पढ़ते, जोहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, मगरब नहीं पढ़ते, बातों में लगे रहे, नमाज कदा हो गई। फिर ग्यारहवां अमल, जिससे रिज्क में तंगी आती है, झूठ बोलना। और आजकल तो झूठ बोलने की इब्तदा माँ बाप बच्चे से ही कर देते हैं। फिर बारहवां अमल, जिससे रिज्क में तंगी होती है, गाने बजाने में दिल लगाना। गाने पसंद होते हैं तो आप देखें गाड़ियों में हर वक्त टू टू होती रहती है, गाने लगे हुए होते हैं, म्यूजिक लगी होती है। फिर तेरहवां अमल, जिससे रिज्क में तंगी आती है, औलाद को बुरा भला कहना। कुछ जाहिल माँ बाप को औलाद को गालियां देने में मजा आता है, माँ है तो गालियां देती है, बाप है तो गालियां देता है। औलाद को गालियां देने से अल्लाह ताला बंदे को रिज्क की तंगी में मुब्तला कर देते हैं, इसलिए गुस्से में भी औलाद को दुआ देनी चाहिए। चुनांचे एक साहब अपना वाकया सुनाने लगे कि मैं बहुत शरारती था और घर वालों को मैंने तंग किया हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि घर में मेहमान आए हुए थे तो मेरी वालदा ने दाल बनाई मेहमानों के लिए, और मैंने एक मुट्ठी रेत की भरी और आकर हंडिया में डाल दी। अब जब मेहमान खाना खाने लगे तो दाल के अंदर रेत थी, तो खाना तो नहीं खाया जाता ना, तो मेहमानों को भी परेशानी हुई और घर वालों को भी परेशानी हुई। अब जब घर वालों को परेशानी हुई तो मेरे वालिद तो गुस्से में कि जिसने ये किया है मैं उसकी पिटाई करता हूं, कहने लगे कि मेरी वालदा को पता चला तो मेरी वालदा ने पता किया कि ये काम किया किसने है, तो मां को बच्चों का पता होता है, उसने कहा कि फलां ने किया होगा। मुझे पकड़ के लाया गया
और मुझे पूछा गया कि क्या तुमने ये हरकत की, सालन के अंदर तुमने रेत डाली, तो अम्मी के सामने मैंने इकरार कर लिया, हाँ अम्मी ये शरारत मैंने की थी। कहने लगे कि ये शरारत का जब मैंने इकरार किया तो गुस्से में मेरी माँ ने मुझे कहा, अच्छा तूने मेहमानों को तकलीफ पहुंचाई और सालन के अंदर तूने रेत डाली, अल्लाह ताला तुझे हरम का इमाम बना दे। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया और आज अल्लाह ने मुझे दोनों हरम का इमाम बना दिया। ये वाकया किसका था? कारी सुदैस का था, जो हरम के इमाम है। उन्होंने अपनी जिंदगी का वाकया सुनाया कि मैंने यह हरकत की थी, मेरी वालदा ने मुझे बददुआ देने की बजाय दुआ दी थी, बेटा अल्लाह तुझे हरम का इमाम बना दे, और आज मेरी माँ की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने मुझे हरम का इमाम बना दिया। फिर चौदवां अमल, कुरान पाक को बेवजू हाथ लगाना। बाल लोग कुरान मजीद की बेहुर्मती करते हैं, वजू के साथ हाथ लगाना चाहिए, वो बेवजू भी हाथ लगा लेते हैं। तो बेवजू हाथ लगाने से अल्लाह ताला रिस्क में तंगी पैदा फरमा देते हैं। पंद्रवां अमल, गैर महरम को बेधड़क देखना। बाल नौजवान समझते हैं कि होता तो कुछ नहीं, तो गैर महरम को देखो मजे उड़ाओ। तो गैर महरम को देखने से अल्लाह ताला बंदे को रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला फरमा देते हैं। और सोलहवां अमल जिससे कि अल्लाह ताला रिज़्क़ को तंग कर देते हैं, अपने अहले खाना के साथ हर वक्त लड़ते रहना। ये गुनाह आज के दौर में आम हो गया है। जिस घर में देखो खामिद बीवी पे बरस रहा है और बीवी भी चुप नहीं करती, आगे से कोई ना कोई जवाब देती रहती है, इस नोक झोंक के बदले अल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला कर देते हैं।